शोषण नहीं है जी। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का प्रधानमंत्री कार्यालय मार्च है जी। प्रधानमंत्री कार्यालय हम मार्च के लिए निकले हैं और प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन देना चाहते हैं। अभी आप लोगों को पता होगा कि पिछले महीने में केरला में तबाहकुन सैलाब आया था, तो उस सैलाब में पूरी दुनिया आज केरला की मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन अफसोस की बात है, बहुत निंदनीय बात है कि भारत सरकार की तरफ से केरला को जो सपोर्ट दिया गया, जो सहायता दी गई, वो बिल्कुल नाम मात्र है। एक तरफ तो मूर्ति लगाने के लिए 30,000 करोड़ रुपया दिया जाता है और दूसरी तरफ केरला में तबाहकुन सैलाब आया, विनाशकारी बाढ़ आया जिसमें लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं, सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं, करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति का नुकसान हो गया, लोग घर से बेघर हो गए, आज उनके जीने के नाले पड़ रहे हैं, रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए घर में अनाज नहीं है। ऐसी सूरत में प्रधानमंत्री की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से केरला की जो अनदेखी की जा रही है, केरला को जो नीचा दिखाने की बात की जा रही है, केरला की जो अवहेलना की जा रही है, और जो सेंट्रल की तरफ से लेक ऑफ सपोर्ट है, जो सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, उसके विरोध में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का ये प्रधानमंत्री कार्यालय मार्च का आह्वान किया गया है, जिसको लेके हमारे यहाँ आए हुए हैं प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के लिए कि वो भेदभाव का रवैया बंद करें। भारत एक फेडरल स्टेट है और हर स्टेट को बराबर का अधिकार है। जिस तरीके का सब भेदभाव कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये उनका सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, उस नारे का मजाक उड़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर इसी तरीके से होता रहा, आज केरला के साथ हुआ, कल तमिलनाडु के साथ होगा, परसों बंगाल के साथ होगा, परसों आसाम के साथ होगा, तो इस तरीके से देश में उन लोगों के अंदर जो भावना पैदा होगी, उससे देश में अलगाववाद की बीज वो बो रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और ये भारत केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार है, ये देश में अलगाववाद की बीज बो रही है। केरला वालों के साथ न्याय खत्म की, उनको न्याय मिलना चाहिए और उनके साथ भारतीय का सहयोग होना चाहिए। जो पर्याप्त सहायता है वो पर्याप्त सहायता उनको दी जानी चाहिए।